आज मैं यही वार्ड सदस्य हैं जो एमएलसी के लिए आप अपने बड़े अधिकारी मतलब बड़े प्रतिनिधि को वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा के दास्तां और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के राहटा पंचायत वार्ड नंबर 14 में वार्ड सदस्य पर जानलेवा हमला किया और उनके घर में आग लगा दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट, उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहिद। तो एक अजूबा है, मतलब अजूबा ये है कि अभी जिस जगह हम मौजूद हैं ये मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड और राहटा पंचायत के अंदर मौजूद है और जो हमारे साथ व्यक्ति हैं जो जिसको देख रहे हैं ये इस बार 2022 के पंचायत चुनाव में जीतने वाले वार्ड सदस्य हैं। अब सवाल उठता है कि एक वार्ड सदस्य के घर में क्यों आग लगता है। अब आग भी लगाया जाता है या लगता है ये जांच करना पुलिस प्रशासन की काम है, मगर हम उस तहत तक पहुंचेंगे आखिर रीज़न क्या है कि आज इनके घर में कल उनके घर में। हालांकि अगर बात करें बस्ती की आबादी की बात करें तो मुझे लगता है 200 से 250 घर है यहाँ पर जो एक दिन छोड़कर एक दिन घर के अंदर आग लगती है। तो चलिए परिजनों से पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है कि लगातार क्यों आखिर आग लग जाती है गाँव में बस्ती में घर के अंदर आग लग जाता है और क्यों जानलेवा हमला किया जाता है, इसके पीछे क्या साजिश है क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम परिजन से मिलेंगे और जिसको परिजन मतलब बोले तो वार्ड सदस्य जी के घर पे मौजूद हैं और इसके दरवाजे आंगन के अंदर मौजूद हैं और ये वही घर है जो पीछे साइड से आग लगा दिया गया था बीते दो दिन पहले। तो ये बताइए कि मतलब सबसे पहले ये बताइए जो आग लगा थाना वगैरह में आवेदन वगैरह दिए। हम थाना में आवेदन दिए हैं और हम जब धुआं से दम घुटने लगा, हम घर बंद करके सो रहे थे, जहाँ पर सो रहे थे वहीं पर मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगाया गया और कुत्ता भी भौंक रहा था और सांस लेने में दिक्कत हुई। तो हम बाहर निकले तोड़ के बाहर तो देखे कि जो वार्ड सदस्य जो बाहर गया हमसे वही भाग रहा था तोड़ के उसके ऊपर और वही आग लगा रहा। कौन वार्ड सदस्य? जिसका नाम है मोहम्मद अबू पूर्व वार्ड सदस्य जो हार गया इस बार मेरे। हम चुनाव जीते हैं तो मतलब वह हारने के कारण बखलाहट से मतलब हमको जान मारने का साजिश बराबर रखता और जो लोग मेरे लिए वोट मांगा है, जो लोग हमको सपोर्ट किया है, मतलब आज से मतलब 15 दिन पहले भी एक आदमी के घर में आग लगा तो दो घर जल करके राख हो गया जिसका थाना में भी सूचना दे चुके हैं और उसके बाद जो है तो आज से मतलब 15-20 दिन पहले भी मतलब एक सकीना खातून मसमा था उसके भी घर में तोड़ फाड़ करके आग लगाया गया। उसके बाद जो है तो मतलब एक ये बगल में है मोहम्मद मुश्ताक उसके भी घर में आग लगाया गया। सामने में हमारे मोहम्मद जकीर उसके भी घर में आग लगाया गया मतलब एक महीना पहले। मतलब ये आग लगने का मतलब घटना बराबर हो रहा है और हम सो रहे थे, हमको जान मारने के नियत से जहाँ पर सो रहे थे मिट्टी का तेल छिड़क करके वहाँ पर आग लगा दिया। थाना में हम आवेदन दिए हैं, थाना से कोई सुनवाई नहीं अभी तक। तो चलिए फ़ोन भी किए थे बड़ा बाबू से, हमारी बात हुई 3:30 बजे रात में हम फोन किया जिस वक्त आग लगा था आग बुझाने के बाद मोहम्मद जकीर उसके भी घर में आग लगाया गया मतलब एक महीना पहले। मतलब ये आग लगने का मतलब घटना बराबर हो रहा है और हम सो रहे थे, हमको जान मारने के नियत से जहाँ पर सो रहे थे मिट्टी का तेल छिड़क करके वहाँ पर आग लगा दिया। थाना में हम आवेदन दिए हैं, थाना से कोई सुनवाई नहीं अभी तक। तो चलिए फ़ोन भी किए थे बड़ा बाबू से, हमारी बात हुई 3:30 बजे रात में हम फोन किया जिस वक्त आग लगा था आग बुझाने के बाद गांव का लोग आया, सारा लोग मिल करके आग को काबू किया और हम बाल बाल बचे और थाना को। तो आइए हम उस चीज़ उस जगह पे भी देखते हैं कि आखिर सही माने में आग लगाया गया है या नहीं, या ऐसे ही वार्ड सदस्य भी बोलते हैं। तो हम उस जगह जाएंगे क्योंकि हमारा काम है दिखाने का। तो पता चला कि पीछे का रास्ता है और पीछे से जो मतलब से जिस तरह से मट्टी तेल और जो भी हो मतलब जिस चीज़ से घर जल जाए फौरन जलकर राख हो जाए वो चीज़ का छिटाव किया है जिस तरह से अभी हम देखिए घटनास्थल पर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो कहानी है देखिए थोड़ा सा आ जाइए कैमरामैन। तो हम घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं, देखिए ये चीज़ देखिए आप देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर घर जला देना, इसी घर में सोए हुए थे वार्ड सदस्य जी, उनके बच्चे, इनकी बीवी, मतलब सारा लोग सोए हुए थे। अब ये सवाल उठता है कि अगर आग लग जाती घर जल जाता तो उस समय अच्छा फिलहाल जिस तरह से आप बोले कि हम तो जला रहे थे क्या पक्का 100% वही थे? हाँ पक्का 100% था। हम जैसे कुत्ता भी भौंक रहा था तो हमारा नींद हल्का फड़ा और सांस लेने में हमको धुआं से जब घर भर गया ना
तो सांस लेने में कठिनाई हुई तो हम आँख खुला तो हम एक बैग समझ गए कि आग लग चुका है, तो हम बाहर निकले और टॉर्च बारे तो देखे कि इधर भाग रहा है। चलिए पड़ोसी है उनके, उनके पड़ोसी है, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या नाम हुआ? साहबुद्दीन जी, ये बताइए कि मतलब जिस तरह से वार्ड सदस्य जी का कहना है कि हमारे घर में पुराने वार्ड सदस्य जो हैं वो आग लगा दिए, क्या आपको लगता है कि सही माने में बात सही है या? इलेक्शन से मतलब जब से इलेक्शन शुरू हुआ है ना उस वक्त मतलब पूरा गांव में आग लग रहा है, कि मतलब राजनीति के तहत ही आग लगाया जा रहा है। कौन व्यक्ति आग लगा रहा है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वार्ड सदस्य साहब जो कह रहे हैं उनसे थोड़ा फ्रिक्शन है, इस वजह से वो हो भी सकता है। दूसरी बात है जब इनके घर में आग लगा थी पूरा चिल्ला रहे थे, पूरा हम लोग जमा हुए, पूरा आग वाग को बुताए हैं, तो मतलब यहाँ पर जो है इनको हमारे अंदाज से हम अपना दिमाग लगाते हैं अंदाज लगाते हैं इनके घर में जो आग लगाया जा रहा है बिजली जलता है, बिजली में आग लगा और इनको सही में हकीकत में मारने की प्लानिंग था इसे, मतलब सात आठ साल भी बोलेगा, मगर इस चीज़ को कैमरामैन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को हटा दे, जो जब तक हम साथी से बात किए उस चीज़ को हटा दीजिएगा, ताकि मुझे ना लगे कि हम एक पार्टी का खबर चला रहे हैं। हम पब्लिक से बात लेंगे, पब्लिक से बयान लेंगे कि सही माने में वार्ड सदस्य जी के ऊपर हमला होता है या जानलेवा हमला करते हैं कभी, तो जैसे आग लगा दिखाइए दिखाइए जरा सा, जैसे आग लगा दिया गया इस तरह से, मतलब टॉर्चर करना ये संविधान में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुझे पता चला कि बार बार इस गाँव के अंदर बार बार आग लगा दिया जाता है। अब ये भी सवाल उठता है कि बगल में जो पड़ोसी है उनसे हम क्यों बात कैसे बात करेंगे, हालांकि पार्टी यही है, इनसे अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विरोधी पैदा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ पब्लिक और पब्लिक से बात करेंगे, यहाँ के जो मुख्य पब्लिक है उनसे बात करेंगे। चलिए परिजन के वार्ड सदस्य के पत्नी से हम बात करते हैं, ये बताइए क्या नाम हुआ? अच्छा आखिर आपके पति पर क्यों लोग हम जान लगा हमला करें? लड़ाई जो कल कितने वार्ड सदस्य वो सबके मोल रिवाज सब नहीं जीत, हमारे शोहर नहीं जीत, अल्लाह चालक तो जीत गए तो वह खाती बहुत बहुत यहाँ से मट्टी के तेल लैके सोल्फी लैके। अच्छा आपको कैसे पता चला कि मट्टी का तेल हे राखल से मट्टी के तेल दीदी आज हमारे गला फंस गए? तो चलिए वो जगह देखेंगे हम, मट्टी तेल का जगह देखेंगे। अच्छा इसी मट्टी तेल छीट करके आग लगाया गया, मतलब कैसे पता चला कि मट्टी तेल छिटा हुआ? पूरा बास आ रहा था, जितना लोग आया सब बता सकता है जो मिट्टी का तेल बदबू दे रहा था, मतलब बदबू दे रहा था कि मट्टी तेल छिटा हुआ था? हाँ मिट्टी तेल छिटा हुआ था, पूरा बदबू दे रहा था, कई बाल्टी इसमें पानी दिया है, कई लोग इस तार को भी तोड़ रहे हैं हम लोग, रास्ता नहीं है इधर से कोई आने जाने का, यहाँ रास्ता तोड़ा गया तब पानी डाल के इसको बुझाया गया। हमारा घर तो दूर है लेकिन आवाज़ ये लोग जो चिल्लाए ना तो हम लोग घर से निकले फिर देखे कहाँ हल्ला हो रहा है वहाँ पहुँचे बहुत सारे हमारे। तो चलिए मतलब कहने का मतलब कि मट्टी तेल से आग लगाया गया। तो सवाल उठता है कि अब इस विषय में हम बड़े अधिकारी से बात करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और यहाँ के जो विधायक उनसे भी बात करेंगे, एक वार्ड सदस्य के माध्यम से एक प्रतिनिधि हैं, वार्ड के प्रधान हुए, वार्ड के रखवाले हुए, उन पर अगर जानलेवा हमला किया जाता है या उनके घर में आग लगा दिया जाता है तो बहुत असंभली वाली बात है, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और हम मधेपुरा और कुमारगंज प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे कि अगर वार्ड सदस्य जी का आवेदन थाना में गया है तो जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करें और उनको न्याय की हिरासत से जेल भेजें, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है कि आए दिन एक दिन छोड़कर एक दिन घर में आग लगना। क्या नाम हुआ आपका? समीना खातून। अच्छा वार्ड सदस्य जी का कहना है कि इनके घर पर आए दिन हमला किया जाता है और आग लगा दिया जाता है। हाँ आग तो लगबे करे घर में की कहते सुतल रहे केबारी बंद करके आग लगा देते लोग चल गए आई उठले धुआ लागले तो उठले देखलक तो आप लोग से कह रहे थे कि से अपने आग लगा के अपने बुता दे कहे कि आग लगल से अपने आग लगा के घर में बाहर में आग लगा केबारी बंद करके अपना जीवन के डर नहीं चाहे से घर में सुतल रहता है। तो आपका कहने का मतलब है कि एक दूसरे लोग आकर कहीं पर हमला करते हैं? हाँ दोसर कोई आपका आग लगा दे चल जाते आई हल्ला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभान अली। सुभान अली जी ये बताइए कि वार्ड सदस्य का कहना है कि कोई इनके जो विरोधी लोग हैं वो आके बार बार इनके घर पर हमला कर दे जैसे आग लगा देने कभी जान से मारने की धमकी इस तरह का बात क्या लगता है आपको? ये सही बात है सर, पूर्व में जो चुनाव हुआ है तो यहाँ से दो कैंडिडेट वार्ड सदस्य पद के लिए खड़ा हुए तो उसमें जो है एक अबुल था एक अफजल जी थे, तो अफजल जी जो है वो जीत गए, अबुल जी हार गए। उसके बाद कैमरा है
उधर देखना है जी, उधर देख के बोलना है कि मिला के तरफ। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि जब से ये जीते हैं ना, तो इस इनको जो वोट दिया है उनके घर में और इनके घर में भी दो तीन दिन पहले इनके घर में आग लगा। हमारा घर तो मस्जिद के उधर है। मतलब आग लगा या आग लगाया गया? आग लगाया गया है। देखिए सवाल बहुत बड़ा उठता ये सवाल है कि आग लगाया जाता है, मतलब अभी जिस जगह मौजूद है ये एक, मतलब अगर बात करें तो जिस तरह से ये गांव है, ये मोहल्ला है, लगभग 150-200 की आबादी है इस मोहल्ले के अंदर, और एक दूसरे के घर में आग लगना ये बहुत बड़ा चुनौती देता है कुमारखंड प्रशासन को कि एक दूसरे के कल होकर के उसके घर में, ये मतलब ये लगातार चल रहा है कि तरतीब बा तरतीब चल रहा है कि हम किसके घर में आग लगाएं। आखिर सुशासन की राज, जो हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू अपने आप में एक सुशासन कहलाते हैं, उनका कहना है कि हम एक सुशासन है। अब सुशासन के राज में यही वार्ड सदस्य जी हैं, उसी के राज में यही वार्ड सदस्य जी हैं जो एमएलसी के लिए अब अपने बड़े अधिकारी मतलब बड़े प्रतिनिधि को वोट देंगे। अब ये खुद चर्चा करेंगे कि किनको वोट देना है, किन लोगों को वोट नहीं देंगे। अच्छे लोगों को वोट देंगे तो इनकी सुरक्षा मिलेगी, अगर बुरे लोगों को वोट देंगे तो वही होगा कि बीते 5 साल में जो 12 करोड़ का घोटाला कुमारखंड प्रखंड के अंदर हुआ फिर से वही होगा। हमारा सवाल ये नहीं है कि घोटाला क्यों होता है, भ्रष्टाचार क्यों होता है, हमारा सवाल है आखिर एक दूसरे को क्यों फंसाया जा रहा है, एक दूसरे के घर में क्यों आग लगाया जा रहा है। आज में यही वार्ड सदस्य जी हैं जो एमएलसी के लिए अब अपने बड़े अधिकारी मतलब बड़े प्रतिनिधि को वोट देंगे। अब ये खुद चर्चा करेंगे कि किनको वोट देना है, किन लोगों को वोट नहीं देंगे। अच्छे लोगों को वोट देंगे तो इनकी सुरक्षा मिलेगी, अगर बुरे लोगों को वोट देंगे तो वही होगा कि बीते 5 साल में जो 12 करोड़ का घोटाला कुमारखंड प्रखंड के अंदर हुआ फिर से वही होगा। हमारा सवाल ये नहीं है कि घोटाला क्यों होता है, भ्रष्टाचार क्यों होता है, हमारा सवाल है आखिर एक दूसरे को क्यों फंसाया जा रहा है, एक दूसरे के घर में क्यों आग लगाया जा रहा है। आखिर कुमारखंड प्रशासन कर क्या रही है जो आवेदन पड़ने के बावजूद घटना स्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारा सवाल बहुत सारा मुद्दा है, हालांकि ये छोटा मुद्दा नहीं है कि एक दूसरे घर में आग क्यों लगता है। ये तो नहीं है कि हाँ आग मतलब एक आग ऐसा है जो चलते चलते लग जाए, मतलब जब तक आग नहीं लगाया जाता है तब तक आग नहीं लगता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम इसी तरह से दिखाएंगे, और हम हालांकि इस गांव के अंदर कल भी आए थे, हम खबर कवरेज करने के लिए आए थे, एक मुसमात एक जो विधवा औरत है उसके भी घर में आग लगा दिया गया था, मतलब उनकी लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। अब बताते सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो वायरल हुआ था वो कि उसके घर को किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से उनको उनके ऊपर बांस से मारा गया, मतलब ये सब ये समाज में जो निकम्मे लोग होते हैं ना उनका ये काम है, और प्रशासन हाथ धोकर बैठी हुई है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि की बात करें तो मुझे लगता है कि वो प्रतिनिधि क्या हैं, अब क्या लगते हैं जनता के लिए, क्या करते हैं जनता के लिए, ये तो जनता ही बताएगी। तो तत्काल आप मुझे इसी वक्त दीजिए इजाजत, पीडी न्यूज से शाहिद हुसैन, कैमरामैन विकास के साथ शाहिद की रिपोर्ट।